हमारा लास्ट टॉपिक क्या था वैसे तो? हम क्या मेन टॉपिक हम लोग का क्या चल रहा है? थेराप्यूटिक मॉडिफिकेशन इन डाइट। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? थेरापेटिक थेराप्यूटिक डाइट मॉडिफिकेशन इन डाइट। राइट। थेराप्यूटिक मॉडिफिकेशन, ठीक है। तो आपने कौन कौन सी डाइट, कौन कौन सी डिसीजंस में डाइट मॉडिफिकेशन पढ़ा है? कार्डियोवास्कुलर डिजीज, डायबिटीज कार्डियोवास्कुलर मेलाइटस, डिजीज, डायबिटिक मेलाइटस, लीवर डिजीज, रेनल, रेनल पढ़ा, लीवर लीवर डिजीज, डिजीज पढ़ा, फिर कोलेक्सिस्टोमी। ठीक है, कॉलेसिस्टेक्टमी पढ़ा आपने। ठीक है, तो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या है? देखिए, हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है डाइट मॉडिफिकेशन इन रिलेशन टू ओबेसिटी। क्या होती है ओबेसिटी? देखिए डेफिनेशन, ओवरवेट एंड ओबेसिटी आर डिफाइंड एज एबनॉर्मल और एक्सेसिव फैट एक्यूमुलेशन दैट प्रेजेंट अ रिस्क टू हेल्थ। ठीक है, तो क्या होता है ओवरवेट, सॉरी ओबेसिटी क्या होता है? ओवरवेट, वेट क्या है? ओवर हो गया है। एंड ओबेसिटी आर डिफाइंड एज एबनॉर्मल, एबनॉर्मल और एक्सेसिव क्या है? फैट अक्यूमुलेशन हो रहा है। ठीक है, हमारी बॉडी में क्या है? एबनॉर्मल और एक्सेसिव फैट अक्यूमुलेशन हो रहा है, दैट प्रेजेंट अ रिस्क टू हेल्थ, जो कि क्या करता है, एक हेल्थ हेल्थ के लिए एक रिस्क को क्या कर रहा है, प्रेजेंट कर रहा है वहां पे। ठीक है, अ बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है, जिसे क्या बोलेंगे, BMI, क्लास म्यूटियोमाइन जस्ट नाउ, अ बॉडी मास इंडेक्स जिसे क्या बोलते हैं, BMI, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो जो नॉर्मल BMI होता है वो 25 होता है, ठीक है, हेल्दी पर्सन का। अगर 25 से ऊपर BMI जा रहा है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं ओवरवेट। ठीक है, 25 से ऊपर जा रहा है तो वो क्या है, ओवरवेट में आ गया पर्सन। अगर उसका जो BMI है वो 30 है, ठीक है, 30 या 30 से ऊपर जा रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे हम, ओबेस। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं ओबेसिटी। ठीक है, कॉमन कॉजेज ऑफ ओबेसिटी क्या है, फिजिकल इनएक्टिविटी। पर्सन क्या है, फिजिकल इनएक्टिव है, ठीक है, वो फिजिकली कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है, ओवर ईटिंग कर रहा है। ठीक है, ओवर ईटिंग के बाद है फिर अ डाइट हाई इन सिंपल कार्बोहाइड्रेट, और वो डाइट ज्यादा अपने उसमें फॉलो कर रहा है, जैसे कि जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। कई बार क्या होता है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, कुछ पर्सन क्या होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, ठीक है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो रहे हैं, तो उनका भी क्या होता है, कई बार वो ओबेसिटी हो जाती है उन्हें। ठीक है, डिसीज सच एज हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म में भी क्या होता है, वेट गेन होने लग जाता है। ठीक है क्लास, नेक्स्ट है आपका, यस मैम, नेक्स्ट है देखो सोशल इशू, सोशल इश्यूज, मेडिकेशन एसोसिएटेड विद वेट गेन इंक्लूडेड सर्टेन एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटी कन्वल्जेंट्स ईटीसी। ठीक है, अगर कुछ मेडिकेशन होती है जो वेट गेन करती है हमारी बॉडी में, लाइक क्या है, एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटी डिप्रेसेंट्स होती है जो पर्सन डिप्रेशन में, ठीक है, डिप्रेशन में जो मेडिसिन लेता है उनको बोलते हैं एंटी डिप्रेसेंट्स। तो ज्यादा अमाउंट में अगर एंटी डिप्रेसेंट्स ले लिया है या तो एंटी कन्वल्जेंट्स ले रहे हैं, एंटी कन्वल्जेंट्स होते हैं जो कन्वल्जन, फीड, सीजर्स, यानी कि क्या होते हैं फीड, सीजर्स, कन्वल्जेंट्स क्या होते हैं, लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं दौरे पड़ना, उसे बोलते हैं कन्वल्जन, फीड, सीजर्स, तो एंटी कन्वर्जेंट्स देते हैं ऐसे उसमें। ठीक है, डिसीज में तो एंटी कन्वर्जेंट्स भी क्या करता है, बॉडी में वेट को गेन करता है। ठीक है, फिर क्या है, हेल्थ रिस्क एसोसिएटेड विद ओबेसिटी। ओबेसिटी से देखो हेल्थ रिस्क तो होते ही है, कोई भी अगर मोटा पर्सन है
देखा ही होगा अपने आसपास, आपने अपने एनवायरनमेंट में या तो फिर किसी की फैमिली में कोई मोटा पर्सन होगा तो आपने अधिकतर देखा होगा कि उन्हें कोई ना कोई प्रॉब्लम, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, ठीक है। सो इसमें देखो क्या है, ओबेसिटी इज नॉट जस्ट अ कॉस्मेटिक कंसिडरेशन, ये जस्ट अ कॉस्मेटिक कंसिडरेशन नहीं है कि हम कैसे लग रहे हैं, हम मोटे होके कैसे लगेंगे या क्या है, ये तो एक है, लेकिन इससे पहले कि ये क्या है, इससे कि इट इज हार्मफुल टू वंस हेल्थ एज इट इज रिस्क फैक्टर फॉर मैनी कंडीशन, ठीक है। ओबेसिटी क्या होती है, किसी एक पर्सन के लिए बहुत ज्यादा एक हार्मफुल क्या है, कंडीशन है, जिससे कि उसकी हेल्थ को क्या होते हैं, हार्म होते हैं, ठीक है। फिर क्या है, जिसमें कि क्या है, हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन होने के चांसेस होते हैं। हाइपरटेंशन इज कॉमन अमंग ओबेज एडल्ट्स, ओबेज एडल्ट्स में क्या है, हाइपरटेंशन क्या है, कॉमन होता है। अ नॉर्विन स्टडी शोज दैट वेट गेन टेंडेड टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर इन वुमेन मोर सिग्निफिकेंटली देन इन वुमेन। इन्होंने क्या बताया है कि नॉर्विन जो स्टडी है वो क्या शो करती है कि जो एक वेट गेन है, ठीक है, टेंडेड टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर, वेट गेन से क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है, इस वुमेन इंक्रीज ब्लड प्रेशर इन वुमेन मोर सिग्निफिकेंटली देन इन मेन। मतलब कि क्या है, अगर ओबेस पर्सन है कोई फीमेल है तो उस फीमेल का अगर फीमेल अगर कोई ओबेज है, ठीक है, तो उसमें क्या है, उसमें जो हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम ज्यादा होगी, ठीक है, ना कि मेंस में। अगर किसी मेन ओबेज है तो इतना वो हाइपरटेंशन से, हाइपरटेंशन उसके ऊपर इफेक्ट नहीं करेगा जितना कि एक वुमेन को इफेक्ट करेगा। देन हाई कोलेस्ट्रॉल, हाइपर कोलेस्ट्रॉलेमिया, इसका क्या मतलब है कि ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई होना। फिर स्ट्रोक, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, ठीक है, स्ट्रोक को क्या बोलते हैं, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट होने के भी चांसेस हो जाते हैं कई बार ओबेसिटी में। कंजेस्टिव हार्ट फेलर होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट क्या है, गॉल स्टोन्स होने के चांसेस होते हैं। तो अब ये क्या है, हेल्थ रिस्क एसोसिएटेड विद ओबेसिटी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट है ऑस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है, ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के चांसेस रहते हैं। डीजनरेटिव अर्थराइटिस ऑफ द नीज, नीज में क्या है, डीजनरेटिव अर्थराइटिस है हिप्स एंड द लोअर बैक में, ठीक है। फिर क्या है, स्लीप एपनिया, स्लीप एपनिया क्या होता है बच्चों, स्लीप एपनिया होता है कि कई लोग रात को सोते समय क्या होता है, उन्हें सांस लेने में मतलब उनको पूरा उनका जो ऑक्सीजन का लेवल है बॉडी में वो कम होने लग जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, स्लीप एपनिया। फिर क्या है, कैंसर, ठीक है, तो हम ये लोग हम क्या पढ़ रहे हैं, ये सब चीजें हम ये पढ़ रहे हैं ओबेज लोगों में क्या क्या और अन्य रिस्क फैक्टर क्या क्या और उनकी हेल्थ को हार्म होने के चांसेस होते हैं, तो हम वो पढ़ रहे हैं। कैंसर में क्या है, ओबेसिटी इज अ रिस्क फैक्टर फॉर कैंसर ऑफ द कोलोन इन मैन एंड वुमेन, ठीक है। ओबेसिटी से क्या क्या होने के, क्या क्या रिस्क फैक्टर होने के चांसेस होते हैं, कैंसर ऑफ द कोलोन, कोलोन का कैंसर मैन में और वुमेन्स में, कैंसर ऑफ द रेक्टम एंड प्रोस्टेट इन मैन, रेक्टम का और प्रोस्टेट का कैंसर मेंस में, एंड कैंसर ऑफ द गॉल ब्लैडर एंड यूट्रस इन वुमेन्स, ठीक है। नेक्स्ट है टाइप टू एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज, द रिस्क ऑफ टाइप टू डायबिटीज इंक्रीज विद द डिग्री एंड ड्यूरेशन ऑफ टाइप टू डायबिटीज, ठीक है। इसमें क्या है, द रिस्क ऑफ टाइप टू डायबिटीज इंक्रीज क्या है, टाइप टू डायबिटीज जो है उसका जो रिस्क है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। मतलब कि जो ओबेस पर्सन है एडल्ट में, ठीक है, उनमें क्या है, टाइप टू डायबिटिक मेलाइटिस होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, हार्ट अटैक, ओबेसिस्ट इज अ रिस्क फैक्टर ऑफ हार्ट अटैक, हार्ट अटैक होने के भी चांसेस होते हैं किसमें, ओबेस पर्सन में। नेक्स्ट क्या है, रोल ऑफ डाइट इन ट्रीटमेंट ऑफ ओबेसिटी, ठीक है। फिर क्या है, वही देखो, थेरापेटिक मॉडिफिकेशन या तो रोल ऑफ डाइट इन ट्रीटमेंट ऑफ ओबेसिटी, डाइट का क्या रोल है ओबेसिटी को ट्रीट करने के लिए। सो द फर्स्ट गोल ऑफ डाइटिंग इज टू स्टॉप फर्दर वेट गेन, ठीक है। जो डाइट है उसका जो फर्स्ट गोल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वेट गेन को स्टॉप करना। एंड द नेक्स्ट गोल इज टू एस्टैब्लिश रियलिस्टिक वेट लॉस गोल, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या होना चाहिए, नेक्स्ट क्या होना चाहिए, नेक्स्ट होना चाहिए
द नेक्स्ट गोल इज टू एस्टैब्लिश रियलिस्टिक वेट लॉस गोल, जिससे कि क्या हो, पहला तो हमारा क्या था गोल कि वेट गेन आगे ना हो, ठीक है, फर्स्ट गोल ये होता है कि आगे जितना वेट गेन हो चुका है, ठीक है, आगे वेट गेन ना हो। सेकेंड गोल होता है कि हमारा जितना वेट है उसको कम करना, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिए, वन इफेक्टिव वे टू लॉस वेट इज टू ईट फ्यूअर कैलोरीज। क्या मतलब, हमें क्या लेना है, अगर हमें अपना वेट लूज करना है, वेट को कम करना है, तो इसका इजी मेथड क्या है कि हम अपनी बॉडी में जो कैलोरीज का कंज्यूमेशन है वो क्या करते हैं, कम करते हैं। वन पाउंड इज इक्वल टू 3500 कैलोरीज। जो वन पाउंड में कितने कैलोरीज होते हैं, 3500 कैलोरीज होते हैं। इन अदर वर्ड्स यू हैव टू बर्न 3500 कैलोरीज, ठीक है, अगर हमें अपनी बॉडी से 1 pound भी कम करना है, यानी कि हमें 400 ग्राम भी अपनी बॉडी से कम करना है, तो उसके लिए हमें कितनी कैलोरीज बर्न करनी होती है, 3500 कैलोरीज हमें क्या करनी है, बर्न करनी है, ठीक है। फिर देखिए डाइट, डाइट प्लान क्या है, A healthy diet should consist of plenty of fruits and vegetables. हमारी डाइट में क्या इंक्लूड होना चाहिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इंक्लूड होना चाहिए। नेक्स्ट है सम मिल्क एंड डेरी फूड्स, मिल्क होना चाहिए और कुछ क्या होने चाहिए, डेरी फूड्स भी होने चाहिए। सम मीट, फिश, एग, बीन एंड अदर नॉन डेरी सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। जो नॉन डेरी सोर्सेज हैं प्रोटीन के वो भी क्या होने चाहिए, इंक्लूड होने चाहिए। नेक्स्ट है जस्ट स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड्स एंड ड्रिंक्स दैट आर हाई इन फैट्स एंड शुगर, ठीक है। जो हमारा क्या कहते हैं, जो हमारी डाइट में हम क्या क्या लेते हैं, जिनमें हाई फैट, जो कि क्या होती है, फैट में और शुगर में जो ड्रिंक्स हाई होती हैं, ठीक है, उन्हें क्या करना है, उन अमाउंट्स को क्या कर देना है, हमें स्मॉल कर देना है, कम कर देना है। होल ग्रेन, होल व्हीट, ओट्स एंड ब्राउन राइस, ठीक है। फिर क्या है, प्लांट ऑयल्स लाइक ऑलिव ऑयल एंड अदर वेजिटेबल ऑयल्स हमें क्या करना है, अपने फूड में क्या करना है, इंक्लूड करना है। नेक्स्ट देखिए क्या है, हेलो मैम, यस मैम, स्क्रीन शो नहीं हो रहा, स्क्रीन शो नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, बिल्कुल भी नहीं हो रहा मैम, हो रहा है मैम, तक हो रहा था अचानक, पता नहीं क्या हुआ। नेक्स्ट देखिए, ड्रिंक वाटर और फर्दर बीवरेजेस, क्या करना है, ड्रिंक वाटर पानी पीना है और अदर बीवरेजेस दैट आर नेचुरली कैलोरी रिच एज फ्रूट जूस। हमें ऐसे बीवरेजेस लेने हैं, हमें ऐसे खाद्य, हमें ऐसे पेय पदार्थ लेने हैं जिसमें क्या हो, कैलोरीज फ्री हो, जिसमें कैलोरीज इंक्लूड ना हो, जैसे कि फ्रूट जूस, ठीक है। म्यूट नहीं है, सारे के सारे बच्चे अपना माइक म्यूट करो, मैं तभी आगे कंटिन्यू करूंगी। म्यूट योर माइक। आगे फूड शुड अवॉइड, हमें अरे क्लास भाई वीडियो कॉल ना चल रही हो, क्लास खान कौन है, मैं रिमूव कर देती हूँ इन लोग को जो अपना वीडियो कॉल थोड़ा चल रहा है भाई, प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने माइक। ओके मैम करो स्टार्ट, आप म्यूट योर माइक। नेक्स्ट है फूड शुड अवॉइड, कौन से फूड हमें अवॉइड करने हैं, ड्रिंकिंग टू मेनी शुगर ड्रिंक्स, जिसमें ज्यादा शुगरी, जो ज्यादा जिसमें ज्यादा शुगर हो जिन ड्रिंक्स में, उन्हें हमें क्या करना है, अवॉइड करना है। ईटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोसेस्ड और फास्ट फूड, हमें फास्ट फूड और जो प्रोसेस्ड फूड्स हैं लाइक केक वगैरह और जो हम कुकीज वगैरह खाते हैं, ये होते हैं प्रोसेस्ड फूड, इन्हें हमें क्या करना है, अवॉइड करना है। Eating out a lot, मतलब बहुत ज्यादा खाने खाने में हमें क्या करना है, अपना
रोक लगानी है, हमें बहुत ज्यादा कंज्यूम नहीं करना है, ईटिंग फ्राइड फूड को कम करना है, अनप्रोसेस्ड रेड मीट, जो अनप्रोसेस्ड रेड मीट है उसको भी अवॉइड करना है, फिर क्या है प्रोसेस्ड मीट, जो प्रोसेस्ड मीट है उसे भी अवॉइड करना है। सम अदर टिप्स फॉर रिड्यूस ओबेसिटी, ओबेसिटी को रिड्यूस करने के कुछ अलग और भी टिप्स हैं जो कि आगे हैं। डू नॉट स्किप ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट को कभी भी आपको क्या नहीं करना है, स्किप नहीं करना। ईट रेगुलर मील्स, रेगुलर मील्स ईट करना है, मतलब खाना नहीं छोड़ना, चाहे इसका अमाउंट कम कर देना है, ठीक है। गेट मोर एक्टिव, आपको क्या रहना है, बहुत ज्यादा एक्टिव रहना है, ठीक है। यस मैम। नेक्स्ट है ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, प्लेंटी ऑफ वाटर, पानी पीते रहना है। ईट हाई फाइबर डाइट, हाई फाइबर डाइट लेनी है। डू नॉट स्टॉप जंक फूड, जंक फूड को नहीं खाना। कट डाउन एंड ऑन अल्कोहल, अल्कोहल को बिल्कुल बंद कर देना है। प्लान योर मील्स, आपको अपने जो मील्स हैं वो प्लान करके रखने हैं, ऐसा नहीं है किसी भी टाइम कुछ भी खा लेना है, उसको थोड़ा मील को प्लान करके कि हमें इस टाइम ये खाना है तो आपको वो लेना पड़ेगा, ठीक है। फिर क्या है एक्सरसाइज डेली, डेली क्या करनी है, एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। तो आप लोग को क्लियर हुआ ओबेसिटी, ओबेसिटी क्लियर हुआ बच्चों? यस मैम। यस मैम। देखिए कोई प्रॉब्लम हो तो डाइट मॉडिफिकेशन रिलेशन टू ओबेसिटी हमने क्या क्या पढ़ा है, डेफिनेशन पढ़ी, फिर कॉमन कॉजेस पढ़े, ठीक है। फिर क्या पढ़ा हमने, डाइट, फिर हमने पढ़ा हेल्थ रिस्क एसोसिएटेड विद ओबेसिटी, क्या क्या हेल्थ रिस्क हो सकते हैं ओबेसिटी से, ठीक है। फिर क्या देखा हमने, फिर यही सब था। फिर रोल ऑफ डाइट इन ट्रीटमेंट ऑफ ओबेसिटी, एक डाइट का क्या रोल होता है ओबेसिटी को ट्रीटमेंट करने के लिए, वो देखा हमने, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमने वही डाइट वगैरह देख रहे थे हम, कि हमें क्या क्या डाइट अपनी इंक्लूड करनी है और क्या क्या डाइट हमें अवॉइड करनी है, ठीक है। क्लियर हो गया बच्चों ओबेसिटी? यस मैम। यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डाइट मॉडिफिकेशन रिलेशन टू पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी, ठीक है। तो गैस्ट्रेक्टमी पढ़ेंगे हम। फर्स्ट ऑफ ऑल गैस्ट्रेक्टमी क्या होता है, डेफिनेशन, गैस्ट्रेक्टमी इज डिफाइंड एज पार्शियल व्हेन अ पार्ट ऑफ द स्टमक इज रिमूव्ड, ठीक है। गैस्ट्रेक्टमी पार्शियल कहलाती है जब क्या होता है स्टमक का एक छोटा पार्ट क्या होता है रिमूव होता है सर्जिकली, एंड एज टोटल व्हेन द एंटायर स्टमक इज रिमूव्ड। और ये टोटल गैस्ट्रेक्टमी कब कहलाएगी, जबकि हमारी बॉडी से एंटायर स्टमक क्या हो, रिमूव हो, ठीक है। इसके इंडिकेशन क्या है, मतलब कि किस किस कंडीशन में गैस्ट्रेक्टमी करते हैं, क्या क्या है, गैस्ट्रिक कैंसर, रिकरेंट अल्सर डिसीज, गैस्ट्रिक में कैंसर हो गया है, रिकरेंट अल्सर डिसीज है, बार बार अल्सर्स हो रहे हैं स्टमक में, लार्ज ड्यूडेनल परफोरेशन, ड्यूडेनल क्या है, परफोरेट हो गई है, वहाँ इन्फेक्शन हो गया है और स्ट्रिक्चर हो गया है, ब्लीडिंग और इन्फ्लेमेशन हो गई है, ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं गैस्ट्रेक्टमी करते हैं। फिर क्या है कॉन्ट्रा इंडिकेशन, किस किस कंडीशन में हमें क्या नहीं करनी है गैस्ट्रेक्टमी नहीं करनी है, जैसे पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन पेशेंट हु आर नॉट सुटेबल फॉर जनरल एनेस्थीसिया, वे पेशेंट्स जिनको क्या है जनरल एनेस्थीसिया वो टॉलरेट नहीं कर सकते, वो सुटेबल नहीं है जनरल एनेस्थीसिया के लिए, उसमें क्या है पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी क्या होगी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। नेक्स्ट है ट्यूमर्स ऑफ स्टमक दैट अटैक टू एडजेसेंट ऑर्गन, ठीक है, मींस स्टमक में कोई ट्यूमर है जो कि डायरेक्ट लीवर पे या तो पैंक्रियास पे क्या करेगा अटैक करेगा, ऐसी भी कंडीशन में हम क्या नहीं करते हैं गैस्ट्रेक्टमी नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए, नेक्स्ट इसी में लैप्रोस्कोपिक अप्रोच इज रिलेटिवली कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पेशेंट विद अ हिस्ट्री ऑफ अपर एब्डोमिनल सर्जरी, अगर पेशेंट का पहले ही कोई अपर एब्डोमिनल सर्जरी हो चुकी है तो ऐसे पर्सन में भी हम क्या करते हैं लैप्रोस्कोपिक अप्रोच को भी क्या करते हैं हम कॉन्ट्राइंडिकेटेड कर देते हैं, ठीक है। नोट, पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी इज द रिमूवल ऑफ द पार्ट ऑफ द स्टमक, द लोअर हाफ इज यूजुअली रिमूव, जो लोअर हाफ है वो यूजुअली रिमूव होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है डाइट मॉडिफिकेशन आफ्टर गैस्ट्रेक्टमी, हम अपने मेन पॉइंट पे आते हैं एज अ न्यूट्रिशन सब्जेक्ट, डाइट मॉडिफिकेशन आफ्टर गैस्ट्रेक्टमी, आफ्टर गैस्ट्रेक्टमी यू विल लाइकली टू हैव अ ट्यूब,
रनिंग फ्रॉम योर नोज टू योर स्टमक, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा आरटी ट्यूब, सॉरी आरटी राइल्स ट्यूब या नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब। तो इसमें क्या करते हैं, नोज से होते हुए एक क्या डालते हैं, ट्यूब को कहाँ डालते हैं, स्टमक में डालते हैं। दीज अलाउज योर डॉक्टर टू रिमूव एनी फ्लूड प्रोड्यूस्ड बाय योर स्टमक। अगर हमारी बॉडी में, अगर हमारे स्टमक में कोई भी फ्लूड एक्यूमुलेट हो रहा है, बन रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसको क्या करेंगे डॉक्टर, दिस हेल्प कीप यू फ्रॉम फीलिंग नॉजिएटेड, ठीक है। तो वो जो फ्लूड है उसको क्या करेगा, करेंगे डॉक्टर, उसे रिमूव करेंगे बाय द राइल्स ट्यूब, ठीक है। ये किस चीज में हेल्प करता है, नॉजिएटेड होने में, बार बार जो हमारे बॉडी में फ्लूड एक्यूमुलेट हो रहा है, फ्लूड प्रोड्यूस हो रहा है, उसे वो क्या करता है, हमारी बॉडी में नॉजिया फील करवाता है। अगर वही फ्लूड बार बार हम क्या करेंगे, अपने स्टमक से रिमूव कर देंगे, तो ये हमें नॉजिया फील करा, नॉजिया नहीं फील कराएगा, ठीक है। नॉजिया क्या होता है बेटा, नॉजिया क्या होता है, क्लास किसी को पता है नॉजिया क्या होता है? नो मैम, नॉजिया फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग। यू विल बी फेड थ्रू अ ट्यूब इन योर वेन अंटिल यू आर रेडी टू ईट एंड ड्रिंक नॉर्मली, ठीक है। आप क्या कहते हैं, जो पेशेंट गैस्ट्रेक्टमी हो गई है, उन्हें फीड के, मतलब जो ट्यूब के थ्रू ही क्या देना है, उनको फीड देनी है जब तक कि वो अपने बाय माउथ खाने के लिए रेडी ना हो जाए। देयर आर सम टिप्स फॉर डाइट, ईटिंग स्मॉलर मील्स थ्रू आउट ऑफ द डे। छोटी छोटी डाइट लेनी है हमें थ्रू आउट ऑफ द डे, पूरे डे में हमें क्या लेनी है, छोटी छोटी डाइट लेनी है। हैव योर लास्ट मील ऑफ द डे एटलीस्ट 2 आवर बिफोर बेड टाइम, सोने के कम से कम नहीं तो 2 घंटे पहले आपको अपने जो दिन की लास्ट डाइट है वो कंज्यूम करनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट है टेकिंग विटामिन सप्लीमेंट्स, विटामिन सप्लीमेंट्स कंज्यूम करने, ठीक है। फिर क्या है, ईटिंग फूड्स रिच इन कैल्शियम आयरन एंड विटामिन सी एंड डी, वो फूड कंज्यूम करने हैं जो कैल्शियम आयरन में विटामिन सी और डी में क्या होते हैं, रिच होते हैं। फूड शुड अवॉइड हाई फाइबर फूड्स, हाई फाइबर फूड्स को अवॉइड करना है। अवॉइड कार्बोनेटेड ड्रिंक्स इफ दे मेक यू फील फुल, ठीक है। जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं लाइक कोक और ये जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स आती हैं वो कार्बोनेटेड होती हैं, इसलिए उन्हें क्या करना है, अवॉइड करना है। अवॉइड इनटॉलरेंस फूड आफ्टर सर्जरी, वे फूड जो इनटॉलरेंस क्रिएट करते हैं बॉडी में, ठीक है, उन्हें क्या करना है, अवॉइड करना है। अवॉइड अल्कोहल, अल्कोहल को अवॉइड करना है। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूड बट ट्राई नॉट टू ड्रिंक टू मच ड्यूरिंग और अराउंड मील टाइम, ठीक है। प्लेंटी ऑफ फ्लूड लेना है बट ट्राई नॉट टू ड्रिंक टू मच, बहुत ज्यादा नहीं पीना ड्यूरिंग और अराउंड मील टाइम, खाना खाने से पहले और बाद में बहुत ज्यादा पानी नहीं पीना, ठीक है। नेक्स्ट है प्री गैस्ट्रिक डाइट टू प्रिपेयर फॉर द प्रोसीजर, यू विल बी गिवन अ स्पेसिफिक डाइट टू फॉलो बिगनिंग 2 वीक्स बिफोर योर शेड्यूल सर्जरी डेट, ठीक है। जब आपको सर्जरी डेट मिल जाती है तो डॉक्टर आपको एक अपना डाइट प्लान देंगे, उसके अकॉर्डिंगली आपको प्री गैस्ट्रिक डाइट इंक्लूड करनी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि हमें पोस्ट डाइट क्या करनी है, पोस्ट यानी कि पोस्ट प्रोसीजर डाइट क्या है। इसमें हमने इंक्लूड करा है week 1 डाइट, ठीक है। फॉर द फर्स्ट वीक आफ्टर द प्रोसीजर यू विल कंटिन्यू विद द सेम क्लियर फ्लूड, ठीक है। मतलब क्या है, सर्जरी हो गई है पेशेंट की तो वीक के अकॉर्डिंग उन्हें क्या करनी है, डाइट स्पेसिफाइड करी है। फर्स्ट वीक में क्या बताया है उन्होंने कि क्लियर फ्लूड्स, क्लियर लिक्विड डाइट लेनी है। यू फॉलोड इन द डेज लीडिंग अप टू सर्जरी, दे विल हेल्प टू अवॉइड पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन। इससे क्या होगा, जो पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन है वो क्या होंगे, अवॉइड होंगे, इंक्लूडिंग बावल ऑब्स्ट्रक्शन, जैसे कि बावल ऑब्स्ट्रक्शन, डायरिया, गैस्ट्रिक लीकेज एंड डिहाइड्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, टिप्स टू कीप इन माइंड इंक्लूड मेक श्योर टू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ क्लियर लिक्विड। क्या करना है, थोड़ा थोड़ा क्लियर फ्लूड लेना है। डोंट ड्रिंक एनीथिंग विथ शुगर, ठीक है। कोई भी ऐसे ड्रिंक नहीं लेनी जो कि क्या हो, एनीथिंग मतलब कि शुगर के साथ कोई ड्रिंक नहीं लेनी है। शुगर कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू डंपिंग सिंड्रोम, ठीक है। अ कॉम्प्लिकेशन कॉज्ड बाय टू मच शुगर एंटरिंग द स्मॉल इंटेस्टाइन क्विकली, क्या हो सकता है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में शुगर बहुत ज्यादा क्या हो जाए, एंटर कर जाएगा एक साथ में, ठीक है। तब
कैफीन मे कॉन्ट्रीब्यूट टू एसिड रिफ्लक्स एंड डिहाइड्रेशन. कैफीन क्या करता है, एसिड रिफ्लक्स में कॉन्ट्रीब्यूट करेगा और डिहाइड्रेशन भी करेगा कैफीन. एंड शुड ऑल्सो बी अवॉइडेड, इसे क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पेज है हमारा वीक टू डाइट. ड्यूरिंग द सेकेंड वीक आफ्टर सर्जरी यू विल ग्रेजुएट टू अ फुल लिक्विड डाइट. क्या करनी है, पहले फर्स्ट वीक में आपने ली क्लियर डाइट, अब क्या लेंगे आप, फुल लिक्विड डाइट. ऑप्शन इंक्लूड नो शुगर न्यूट्रिशन शेक्स, ठीक है, नो शुगर, शुगर नहीं होनी चाहिए और शुगर नहीं होनी चाहिए एंड सच एज नो शुगर सॉरी न्यूट्रिशन शेक्स सच एज इंश्योर लाइट डाइट लेनी है, मीन्स लाइट लिक्विड डाइट लेनी है. इंस्टेंट ब्रेकफास्ट ड्रिंकिंग, ठीक है, फिर शेक्स मेड विद प्रोटीन पाउडर एंड अनस्वीटेंड मिल्क. शेक्स लेनी है जिसमें क्या हो, प्रोटीन पाउडर इंक्लूड हो और अनस्वीटेंड मिल्क, जो स्वीट मिल्क ना हो. थिन हॉट सीरियल सच एज क्रीम ऑफ व्हीट और ओट मिल्क, ये क्या करने हैं, उसमें इंक्लूड करने हैं. फ्रूट जूसेस विद नो पल्प, जिनमें पल्प ना हो वो फ्रूट जूसेस इंक्लूड करने हैं और डाइल्यूटेड विद वाटर. आप या तो इन्हें क्या कर सकते हैं, वाटर के साथ डाइल्यूट कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है वीक थर्ड डाइट. ड्यूरिंग वीक थ्री यू कैन ऐड सॉफ्ट प्योर फूड टू योर डाइट. ठीक है, ड्यूरिंग वीक थ्री थर्ड वीक में क्या करना है, उसमें आप सॉफ्ट प्योर फूड्स को क्या कर सकते हो, आप इंक्लूड कर सकते हो. मेक श्योर टू ईट स्लोली एंड च्यू फूड थ्रोली एटलीस्ट 25 मिनट्स. इसमें क्या करना है, जो भी आप सेमी सॉलिड डाइट, इसमें क्या करना है, वीक थर्ड में सेमी सॉलिड डाइट को इंक्लूड करना है अपने डाइट में और उसको क्या खाना है, धीरे धीरे खाना है, धीरे धीरे च्यूइंग करना है 25 मिनट्स का. ठीक है, आगे देखिए क्या है, नेक्स्ट है फूड टू ईट इंक्लूड जेड बेबी फूड. ठीक है, जैसे छोटे बच्चे को हम जेड बेबी फूड देते हैं, ठीक है, कोई भी चीज मैश करके वो देना है. कुक्ड प्योर वाइट फिश ये देनी है, सूप एंड प्लेन ग्रीक योगर्ट देना है, मैश्ड बनाना देने हैं एंड वेरी राइप मैंगो, सॉफ्ट स्क्रैम्ड और सॉफ्ट बॉइल्ड एग देने हैं. ठीक है, फिर वीक फोर्थ में क्या डाइट इंक्लूड करनी है, नाउ यू कैन स्टार्ट एडिंग सॉलिड डाइट टू योर डाइट. ठीक है, आप क्या करेंगे, सॉलिड डाइट इंक्लूड कर लेंगे फोर्थ वीक में. फूड यू कैन एड टू योर लिस्ट इंक्लूड वेल कुक्ड चिकन एंड फिश. वेल कुक्ड बहुत अच्छे से बना हुआ चिकन और फिश इंक्लूड कर सकते हो. वेल कुक्ड वेजिटेबल्स, स्वीट पोटैटोज एंड फ्रूट्स, लो फैट चीज, लो शुगर सीरियल, ये सब चीजें आप अपनी डाइट में क्या कर सकते हो, इंक्लूड कर सकते हो. नेक्स्ट है, नेक्स्ट पेज है वीक फिफ्थ डाइट. लास्ट है, मतलब कि वीक्स के अकॉर्डिंग ये लास्ट वीक का डाइट बताया. नाउ दैट यू कैन ईट सॉलिड फूड सेफली इट्स टाइम टू पुट योर न्यू नॉर्मल ईटिंग प्लान इनटू लॉन्ग टर्म इफेक्ट. अब क्या है, जबकि आप सॉलिड फूड को अच्छे से डाइजेस्ट कर पा रहा है पेशेंट, सेफली डाइजेस्ट कर पा रहा है, अब क्या करना चाहिए, जो पहले डाइट लेता था पेशेंट नॉर्मल डाइट पे आ जाना चाहिए. कीप द एम्फेसिस ऑन लीन प्रोटीन एंड वेजिटेबल्स. ठीक है, लीन प्रोटीन और वेजिटेबल्स इंक्लूड करनी है. Food you should avoid entirely or only eat on occasion from the point forward include surgery, sweet and soda. ठीक है, कुछ ऐसी डाइट्स हैं जैसे कि सोडा और स्वीट्स वगैरह, ये सब क्या करना है, ओकेजनली लेनी है. ये नहीं है कि आप ऐसी डाइट नॉर्मली पहले आप जो लेते थे आप वो सब नॉर्मली ले सकते हो. ये सब चीजें ओकेजनली आप खा सकते हो. ठीक है, फिर choose your food wisely, picking nutrients, dense option and avoid empty calories. ठीक है, क्या करना है, वे nutrients, वे things जो कि nutrients dense हो, जिनमें क्या हो, nutrient की density ज्यादा हो, तो उनको include करना है आपको अपने food में. Clear? Yes ma'am. Okay. Yes ma'am. तो आपने देख लिया यहाँ पे इतना सब कुछ, हमने गैस्ट्रिक में पढ़ा, उसके इंडिकेशन कॉन्ट्रा इंडिकेशंस पढ़े. नेक्स्ट हमने पढ़ा
डाइट मॉडिफिकेशन आफ्टर गैस्ट्रेक्टमी, ठीक है, कुछ उन्होंने अपने डाइट के टिप्स दिए हुए थे, ठीक है, वो सब इंक्लूड करे उसमें. नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, नेक्स्ट हमने इसमें पढ़ा फूड शुड अवॉइड, हमें कौन कौन से फूड अवॉइड करने हैं, प्री गैस्ट्रिक डाइट और डाइट अकॉर्डिंग टू वीक हमने पढ़ा. बच्चों इन सब में कुछ है जो क्लियर ना हो प्लीज आस्क योर क्वेरीज. क्लियर? यस मैम. यस मैम. कोई प्रॉब्लम है? नो मैम. प्रॉब्लम नहीं है? नो मैम. ठीक है, तो आप लोग नोट्स बनाते रहें, जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाती हूँ वो सब लोग आप स्क्रीन कैप्चर करते हैं. बच्चों स्क्रीन कैप्चर करते हो आप लोग? यस मैम. अगर नहीं करते हो तो मैं आपके ग्रुप में ये सेंड करूं जो क्लिक्स हैं. यस मैम. यस मैम. ओके. यस ठीक है. ओके थैंक यू. आप लोग फिर हम नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे. ठीक है. ओके मैम. ओके मैम.